सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फियदा और तदत साहब से कहिए कि वो किसी को तलाश करें जो मुझे बंदरगाह तक ले जाए। महमूद जलालुद्दीन को करासू साहब ही लेकर गए हैं, इसलिए हमने उन्हें नहीं रोका। तुमने ये क्या कर दिया? करासू को बुलाइए, अहमद नूरी उसे खुद यहाँ लेकर आएंगे। क्या वो हमलावर पकड़ा गया? हमारे पहुँचने तक वो मर चुका था। जिसने भी उसे इस काम का हुक्म दिया था, उसे डर था कि वो हमें उसका नाम न बता दे। आपका बहुत शुक्रिया। सुल्तान मौसम, हुसैन बेटे की वफात हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं पाशा? आप इस फरोख्त के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके हमें इत्तला कीजिए। जो हुक्म सुल्ताने मुअज्जम। इसका ताकुब करो, मालूम करो इसका घर कहाँ है। हम ये वाली दुकान लेंगे गैब्रियल, जाओ कहीं वो नजरों से ओझल ना हो जाए। हमारा भाई होते हुए हमें भाई का दर्जा ना देने वाला अब उस हवेली में से भी हमारा हिस्सा हड़प कर जाएगा। मैं समझ चुका हूँ, बाबा को अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। मार्सिल जाने वाली एक कश्ती का इंतजाम करना होगा। फियदा के साथ बंदरगाह जाएं और इस फहरिस्त में मौजूद लोगों से सवालात कीजिए। देखिए इनमें से कौन 4,500 फ्रैंक के एवज मार्सिल जाने के लिए मानता है। सालिया सुल्तान की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम है, वो जल्द सेहतियाब नहीं हो पाती। दवा की मकदार बढ़ा देना मुनासिब नहीं रहेगा। मगर मैं अब्दुल हमीद को क्या कहूँगा? फरोख्त के वक्त अब्दुल हमीद को भी बुला लीजिएगा। ये शख्स हमारी आखिरी उम्मीद है फियदा, इंशाल्लाह ये हमारी रकम की पेशकश कबूल करेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपके पास बस यही एक कश्ती है? नहीं, एक बड़ी कश्ती और भी है, 2 घंटे में आ जाएगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप कबूल करें तो एक अहम शख्स आपके पास आएगा। और आपको उसे खुफिया तौर पर मार्सिल ले जाना होगा। कौन है वो शख्स? अभी मत पूछिए, सफर के दौरान आपको मालूम हो जाएगा। क्या मार्सिल की बंदरगाह ले जाना होगा उसे? जी, लेकिन उसके पास 4,500 फ्रांक है, ये भी सुन लें। कबूल है। क्या आपने फातेह के दुकानदारों को खबर कर दी पाशा? जी हाँ सुल्तान मौसम,
वह आपकी आमद की खबर सुनकर बहुत खुश हुए हैं। उनका कहना है कि ईद के दिन आपसे मुलाकात उनके लिए दोहरी खुशी का बायस होगी। पाशा हजरत को भी खबर कर दीजिए, कल हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद वहां रवाना होंगे, सब तैयारी कर लें। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। आज हम रमजान शरीफ का आखिरी रोजा इफ्तार कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हर साल खैर और बरकत के साथ इस मुबारक महीने का फैज हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हम एक बार फिर इसी तरह इफ्तार के दस्तरखान पर और तरावी की सफों में एक दूसरे के साथ शामिल हो सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अलविदा ए मुबारक रमजान, अलविदा ए माहे सयाम, अलविदा ए मगफिरत के महीने। अगर को चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जान से जाओगे। घबराओ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इत्मीनान रखो। भाई मैंने तुमसे वादा किया था और अपना वादा पूरा किया है मैंने। देखो मैं तुम्हारे भाई के पास ले आया हूं तुम्हें। सुल्तान मौज़म ने मुझे तलब फरमाया था। तुमने ठीक नहीं किया पाशा, तुम्हें सुल्तान से गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। अगर सुल्तान ने मुझे कैद किया था तो यकीनन उसने मेरे बारे में कुछ सोच रखा होगा। खैर अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तुमने खुद ही मेरे हवाले कर दिया अपने आप को। क्या तुम नहीं जानते कितने ही पाशाओं ने तुम्हारे सुल्तान के साथ गद्दारी की और तुमने मुझ जैसे आदमी पर भरोसा कर लिया। रुको, पिस्तौल नीचे करो वरना मार दूंगा इसे। इसको जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार फेंक दो। अब फौरन मेरे भाई के हाथ खोलो। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम पर भरोसा किया? मेरी मजाल तो नहीं कि आपको तजवीज दूं सुल्ताना, लेकिन आपको काफी कमजोरी है, आप खुद को तकलीफ में मुब्तला कर रही हैं। कल तबीयत बेहतर होगी तो सुल्तान मौसम के पास चली जाइएगा। हम ठीक हैं, पूरा दिन कमरे में बंद रहकर हम थक गए हैं।
क्या हम ठीक लग रहे हैं? आपके दिल की खूबसूरती आपके चेहरे से वाजे है सुल्ताना। शुक्रिया। अब आप जाइए। सालेहा सुल्तान, आपने यहां आने की जहमत क्यों की? हम अब बेहतर हैं। सुल्ताने मुअज्जम कहाँ है? वो कुछ मसरूफ थे। मेरी साहिबा के सवालात के जवाबात देने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें सौंप दी। उनकी मसरूफियत का ख्याल करके मैंने भी अपना इरादा तर्क कर दिया सालेहा सुल्तान। मेरा ख्याल है कि महल में उनको सबसे ज्यादा फातिमा सुल्तान ही जानती हैं। यानी सिर्फ आपके आराम की गरज से हमें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। सालेहा सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। बस सर चकरा गया था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बीमारी के बावजूद मेरा साथ देने का सोचा, मगर मेरा ख्याल है कि आपको आराम करना चाहिए। आप मेरी साहिबा के सवालात के जवाब दीजिए। हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपके साथ ये सब किसने किया? जिसने ये काम कहा था उसके आदमियों ने। आपको क्या काम दिया गया था? मलिका सालिया को मारने का? नहीं, बल्कि हमें कहा गया था कि उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो फिर उनका मकसद क्या था? मुझे नहीं मालूम, बस ये कहा गया कि मुहाफिजों की नजर से बच के सालिया सुल्तान को उस घर से निकालना है। उसके बाद? उसके बाद तो मैं नहीं जानती, बस यही कहा गया कि सालिया सुल्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर अंदाजा होता कि वो सुल्ताना को कत्ल करना चाहते हैं तो मैं उनकी बात ना मानती। और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो लोग आपका यह हल कर देंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इल्तिजा करती हूं मुझे माफ कर दें। आपको यह काम किसने दिया था? जनाब विक्टर ने। विक्टर साहब? कौन है ये विक्टर साहब? कहां होते हैं? क्या करते हैं? पहले जनाब कसल के साथ हुआ करते थे वो। ये उसी दुकानदार का घर है जनाब। अंदर जाओ और अंदर मौजूद सब लोगों को मार देना। उस शख्स की शनाख्ती और दुकान की मिल्कियत के कागजात अपने साथ जरूर लेकर आना। कागजात क्यों चाहिए हैं हमें? क्योंकि गैब्रियल सुल्तान ईद की नमाज पढ़कर बाजार में जरूर आएगा और हम दुकानदार बनकर उसका सामना करेंगे। अब जाओ। चलो। खैर तो है कानी? आपकी रवानगी के लिए कश्ती का इंतजाम हो गया है मामूजान। आला,
अब बस हवेली फरोख्त होना रह गई है। क्या सबाती ने तुमसे रابطہ किया, उसकी कोई खबर है तुम्हें? मुझे बताओ बेटा। सबाहती ने एक मकतूब भेजा है। उसने लिखा है कि रिफत वाले मामले की वजह से अब वो आपके साथ नहीं आना चाहता। करासू साहब ने तहसीन पाशा को एक पैगाम भेजा है कि वो अपनी अलालत के 22 महल नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने मालूम कर लिया है कि महमूद जलालुद्दीन ने हवेली की फरोख्त का काम किस वकील के जिम्मे लगाया है। वकील कौन है? हमने तहकीक की है, इश्तिहार वाले नाम की तरह यह नाम भी जाली है, लेकिन हमने पहले ही इस बात को जहन में रखा था और वहां अपना मोहरा भेज दिया है। बताइए बेटे। जी सुल्तान मौसम, हवेली खरीदने वाले शख्स ने हमें फरोख्त के मकाम का पता बता दिया है। सऊदलू उस्मान साहब और नादिर साहब अभी भी उनके ताकुब में हैं। हम वकील को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कैसे मालूम हुआ कि हवेली का खरीदार कौन है शहजादे? निशानेबाज ताहिर पाशा, शहजादा अहमद नूरी ने एक माकूल पेशकश की जिसे फौरन ही कबूल कर लिया गया। अब हम वहां जाएंगे तो आप देख लेंगे कि वो हवेली कौन खरीद रहा है। सवारियां तैयार हैं पाशा? तैयार है सुल्तान मौसम। तो फिर हमें चलना चाहिए। कहां रह गया ये शख्स? इंशाल्लाह हमें देर नहीं हुई होगी, ये मेरे बाबा की निजात का आखिरी रास्ता है। क्या आपको मिलने वाली रकम की फिक्र है या अपने वालिद महमूद पाशा की? आइए। मैं तराबीली से मोहम्मद रफीक हूँ, जनाब मार्शल से मिलने आया हूँ। इस नाम का कोई नहीं यहाँ। नहीं 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 नहीं, जरा रुकिए, मैं ही हूँ मार्शल। तो क्या आप हसबाजी वाली हवेली को खरीदने के सिलसिले में आए हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मगर इन्होंने कहा इस नाम का यहाँ कोई नहीं। मैं आपकी आमद का मकसद नहीं समझ पाया था, माजरत। इन्हें गलत फहमी हो गई थी, आप आइए। खुश आमदीद मोहम्मद रफीक साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बिला ताखीर मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप रकम अपने साथ लेकर आए हैं? ठीक है, तो अब हम मुआहदे पर दस्तखत कर लेते हैं। ये लीजिए। क्या हुआ, क्या इरादा बदल गया आपका? नहीं, इरादा तो नहीं बदला, बस मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। जी जी जरूर, कहिए क्या बात है। मैंने यहां आने से पहले उस हवेली के बारे में तहकीक करवाई थी। उस हवेली का मालिक महमूद पाशा का बेटा है। महमूद पाशा और अब्दुल हमीद की मुखालिफत के बारे में सबको मालूम है, कहीं मेरे लिए कोई मसला ना बन जाए। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। वैसे भी कानूनी तौर पर महमूद पाशा के किए का बदला उनके बेटे से हरगिज नहीं लिया जा सकता। अगर मेरी दी हुई रकम महमूद पाशा के पास जाएगी तो क्या रियासत मुझसे इस बारे में पूछगछ नहीं करेगी? महमूद साहब, मुमकिन है ये रकम उसके पास जाए, शायद आप यही सोच रहे हैं, लेकिन रियासत आपसे इस चीज का हिसाब नहीं लेगी, ये नामुमकिन है। सुल्तान मौज़म, क्या वो लोग अंदर हैं बेटे? जी सुल्तान मौज़म अंदर हैं,
नादिर आगा भी कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं। दस्तखत कीजिए। सुल्ताने मौसम, मैं अमेन वल करासु, सब कुछ आश्कार है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसके साथ हैं। मगर आप नहीं जान पाए कि आपके सामने कौन है। आपने मुझे याद किया सुल्ताने मौसम? आपको एक मर्तबा फिर गद्दारों के पास जाना होगा बेटे, और वहां जाके आप उस गद्दार के साथ एक मुहैदा करेंगे। जो आपका हुक्म। हमें मालूम है कि आप महमूद जलालुद्दीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उसे फरार होने और एक मर्तबा फिर अपने खिलाफ चालें चलने की इजाजत नहीं देंगे। ताहिर पाशा, आप मुझे अपनी मर्जी से इस तरह हरगिज गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा सुल्ताने मौसम। ले जाइए। रजा पाशा कहां है? सुल्ताने मौसम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि करासो का ताल्लुक भी मैसन से है। महमूद पाशा की रवानगी का इंतजाम हो गया है। तुम कुछ कहोगे नहीं सबातीन? क्या कहना चाहिए मुझे? मैंने कई बरसों तक उनके साथ मिलकर अब्दुल हमीद की मुखालिफत की। उन्होंने खुद को मेसन पाशा कहा, मैंने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा, उन पर यकीन किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चला मैं। मगर उन्होंने क्या किया सबाहद्दीन? कोई और रास्ता नहीं था। अगर रास्ता ना होता तो फरार नहीं होते, मर जाते। फरार होते हुए भी उन्होंने अपने एक बेटे का हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया। अफसोस है, मगर अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। सबाहद्दीन, तुम्हें उनसे जाकर बात करनी चाहिए। क्या मालूम दोबारा मौका ना मिले तुम्हें। बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। हवेली फरोख्त हो गई बेटा? बदकिस्मती से हवेली फरोख्त नहीं हो सकी। वो क्यों? जनाब करसू और रिफत साहब को एन दस्तखत के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अब मुझे ये भी अंदाजा नहीं कि मेरे पास मौजूद रकम कब तक मेरे काम आएगी।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुल्तान मौजम, सालिया सुल्तान अंदर मौजूद हैं। मैंने सोचा आपके आने तक यहाँ इंतजार कर लूं। वो बीमारी की हालत में यहाँ चली आई। ईद की नमाज के बाद आप ताजरों से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि वो आपसे अभी ही मुलाकात कर लें। ठीक है। ये लो, मेरे पास अभी बस यही रकम है। इस रकम में मैं आपको मार्सिल नहीं ले जा सकता, मगर आप ये रकम मुझे दे दें और सुबह आकर मुझसे मिलें। अगर तुम मुझे ले जा नहीं सकते तो फिर मैं रकम तुम्हें क्यों दूं? सुबह मेरी एक कश्ती सिलानिक जाएगी, मैं आपको सिलानिक ले जा सकता हूं, मगर उसी सूरत में जब आप ये रकम अभी मुझे देंगे। ठीक है, ये लो। ठीक है, अभी आप जाएं, सुबह आपसे मुलाकात होगी। कल सब ईद में मसरूफ होंगे तो हम आसानी से निकल जाएंगे। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं। उम्मीद है कि कल आप अपना तारुफ करवा देंगे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? कौन है आप? कोई भी नहीं।
आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला हमारे हर दिन को इसी तरह खुशियों से भर दे। आमीन। आज हम फातेह के ताजरों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ ईद मनाएंगे, उनके दुख सुख में शरीक होंगे, फिर वहां से एक और मकाम पर जाएंगे। आज ईद का दिन है, अपने अवाम के साथ हम ये खुशी का दिन गुजारेंगे। सवारियां तैयार हैं पाशा? तैयार है सुल्तान मौसम। अब हम फातेह के तमाम ताजरों से मिलेंगे और उनका हाल अहवाल पूछेंगे। चलिए अब हमें चलना चाहिए। शुक्र है कि आज काफी बेहतर हैं आप सुल्ताना। कल रात सुल्तान मुअज्जम की आमद से पहले ही हम सो गए। जब हमारी आंख खुली तो वो खामोशी से हमारे पास बैठे अपना काम कर रहे थे। उन्होंने हमें बेदार भी नहीं किया। उनकी हमारे लिए रफाकत, उनकी तवज्जो, उनकी मोहब्बत ही हमारे लिए शिफाए इम्साल खादमा। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस साल सुल्ताने मौसम के साथ ईद करने का मौका दिया। और क्या चाहिए हमें? सालेहा सुल्तान, माशाल्लाह आज आप काफी बेहतर लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, हम ठीक हैं। अल्लाह पाक हमें इसी तरह मोहब्बत और सेहत के साथ इकट्ठे ईद मनाना नसीब करे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। ईद मुबारक आपको। ईद उल फितर बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक हो आलिया सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस साल साथ ईद मनाएंगे। क्यों नहीं, जरूर। इम्साल खादिमा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तशरीफ रखें। मेरी साहिबा आप भी आइए। वैसे आज हमारी ईद है। आप सबको ईद मुबारक हो। शुक्रिया। शुक्रिया। हमने पहले ही खादिमा को कहवा लाने का कह दिया था ताकि हम सब साथ बैठकर कहवा पी सके। हमारे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है सालेहा सुल्तान। खैर होगी इंशाल्लाह। आज सुबह हम चचा जान से ईद मिलने गए तो हमें मालूम हुआ कि आप पर हमला करने वाला शख्स पकड़ा गया है। वो इस वक्त कैद खाने में है। क्या वाकई? कौन है वो? उसका नाम था विक्टर। विक्टर। मगर उसने ऐसा क्यों किया? उससे अभी तफ्तीश की जाएगी, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस हमले के पीछे जो कोई भी है, देखिएगा उसे जरूर सजा दी जाएगी। एक वक्त था जब मैं पाए तख्त की गलियों में फखर से फिरा करता था, और अब मैं एक मफरूर मुल्ज़िम हूं, डरपोक चूहे की तरह, एक बेचारे इंसान की तरह। लेकिन ये अफसरदा रवानगी बाइख्तियार वापसी में तब्दील हो जाएगी। यकीनन एक दिन ऐसा होगा
मुबारक मेरे भाई। आपको भी ईद मुबारक। और कैसे मिजाज है जनाब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। सुल्तान मुअज्जम कब तक तशरीफ लाएंगे बेटा? कुछ देर में आ जाएंगे। आप तमाम सिपाही चौकन्ना रहिएगा बेटा, क्योंकि वो आलम इस्लाम के खलीफा हैं और हमारी उम्मीद का मरकज। आप बेफिक्र रहिए, हमने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। बहुत अच्छा किया बेटा, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे और सुल्तान मुअज्जम को भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम अपनी पलके बिछाए उनके मुंतजिर हैं। क्या आप ताजिर हैं? जी हम ताजिर हैं। अपनी शनाख्त और दुकान के कागजात दिखाइए। ये लो बेटा ये लो। ये तो आपके कागजात हैं कासिम आगा, इनके कहाँ हैं? ओह जरा रुकना बेटा, मेहमत के कागजात भी मेरे पास हैं, ये मेरे साथ ही काम करता है। ठीक है आप जा सकते हैं। शुक्रिया। चलो जल्दी करो। नहीं वाला है, जो मैंने कहा वो भूलना मत। जैसे ही तुम्हें मौका मिले गोली चला देना और फिर मैंने जिस रास्ते का बताया है वहां से भाग जाना। बेफिक्र हो जाइए जनाब पालमर। बहुत शुक्रिया, आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आप सबको। बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया है। गया, चलें सवार हो जाइए। क्या मुझे इन मुर्गियों के साथ जाना पड़ेगा? कुछ दूर तक ऐसे ही जाना होगा, फिर बड़ी कश्ती आ जाएगी तो उसमें सवार हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुल्तान-ए-मुअज्जम ये आपके लिए तोहफा है। कोई बात नहीं, रख लीजिए। एक बार फिर ईद मुबारक हो आपको, अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह हलाल रिस्क कमाने की राह में आपका मददगार हो। आमीन सुल्तान-ए-मुअज्जम, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और हमारी सल्तनत को कायम रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। सुल्तान-ए-मुअज्जम
मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान मौजम, खुश आमदीद, आपकी आमद भाई से मुसर्रत है। आपको ईद उल फितर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौजम, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। मुझे पर्दे वाला कासिम कहा जाता है। आपसे मिलकर खुशी हुई कासिम साहब, काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठीक चल रहा है सुल्तान मौजम। आपके बाजू को क्या हुआ है, चोट लगी है क्या इस पे? आंखें खोलिए। बेटे, हमें मौसूल होने वाला टेलीग्राम बहुत अहम है पाशा। बरतानवी शहंशाह अपने अहलो अयाल के हमरा रूसी शहंशाह से मुलाकात के लिए जाएगा रिवाल में। हो सकता है हम में से कोई उस्मानी तख्त पर ना बैठ सके, लेकिन उनकी जमीनें तो हमारी हो सकती हैं। अपने वालिद से कहिए कि मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलने का कोई रास्ता तलाश करें, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। वो किस मकसद के लिए जमा हो रहे हैं? यकीनन यूरोप में मुसलमानों का खात्मा करने के लिए, रोमेलिया से तुर्की का निशान और इस्लाम की आवाज खत्म करने के लिए। फिर तो हमें रोमेलिया को मजबूत करना चाहिए।